हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लाए हैं। रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली रेसिपी का आपको अपडेट मिल सके। चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं। उसके लिए जो सामग्री चाहिए वह है गुलाब जामुन का मावा, इलायची पाउडर, केसर, शुद्ध घी, अरारोट एवं चीनी। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे और गैस चालू करके चाशनी ऊपर रखते हैं। इसमें एक गिलास पानी डालेंगे तपेले में, और इसमें एक किलो चीनी है ये हमारी, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमारी चाशनी एक तार की हमें बनाना है। हमारी चाशनी होती है तब तक हम गुलाब जामुन को तैयार करते हैं। ये हमारा गुलाब जामुन का मावा आधा किलो है, 100 ग्राम अरारोट है और 250 ग्राम देसी घी है। ये हम पूरा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको अलग रख लेंगे अरारोट को, और इसके अंदर मिक्स करना है इसको, मावे को। मावे को अच्छी तरह से मलना है। इसमें दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, दाना बिल्कुल पिस जाना चाहिए, इतना मुलायम होना चाहिए। ये मावा हमने अच्छी तरह मल लिया है और इसमें हल्का सा मीठा सोडा डाल रहे हैं हम, ताकि गुलाब जामुन फूले। चुटकी से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो गुलाब जामुन आपके फूट जाएंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे इसे। इसी प्रकार हम सब मावे के गोले बनाएंगे। इधर हमारी चाशनी हो गई है, अब हम इसको गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसमें इलायची पाउडर और केसर डाल दे रहे हैं। अब हम गोले बना लें, फिर हम घी गरम करके और गुलाब जामुन तलेंगे। गुलाब जामुन के लिए हमने मावे के गोले बना लिए हैं। अब हम गैस चालू करके, पैन ऊपर रखा है, हम घी डाल के घी को गरम कर लेंगे। हमारा घी गरम हो रहा है और जैसे गरम हो जाएगा हम गैस को सिम कर देंगे। ये घी हमारा गरम हो गया है और गैस को हमने बिल्कुल सिम कर दिया है। गुलाब जामुन बिल्कुल सिम पे तले जाएंगे, ये हम अब डाल रहे हैं इसमें। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है क्योंकि फूलेंगे, और इसको बार बार हिलाना नहीं है, टूटने का डर रहेगा। हल्के हाथ से बिल्कुल इसको देखना है। इसको हल्का हल्का बिल्कुल पलटते जाना है। और यदि हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी आंच तेज है तो हम गैस बंद कर दें, बिल्कुल सिम पे चलना है।
ये हमारे गुलाब जामुन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हम इसको और थोड़ा ब्राउन करेंगे और फिर चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी ठंडी नहीं होना चाहिए, चाशनी कुनकुनी होना चाहिए और वो हमारी कुनकुनी है। ये हमारे ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसे निकाल रहे हैं। इसको चाशनी में बिल्कुल डुबो देना है। इसी तरह चाशनी में ये डूबे रहेंगे आधा घंटा। अब हम दूसरा और डाल रहे हैं। इसी प्रकार हम सब गुलाब जामुन तलेंगे। ये हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार है। यदि हमारे गुलाब जामुन की आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।